दिल्ली। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी ठीक हूँ, बढ़िया हूँ। और सभी लोगों को मेरा पहला प्रणाम और छोटे को मेरा ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। आपके लिए फिर लेके आए न्यू ब्लॉग, और न्यू ब्लॉग में आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और अभी मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ सुबह से, तो आज है नवरात्रि और सभी लोगों को अपनी नवरात्रि ढेर सारी शुभकामनाएं और सभी सभी की मनोकामना पूरी हो, सभी के परिवार में सुख शांति हो। तो अभी शूट कर रही हूँ मंदिर से ब्लॉग, तो अभी मैं करती हूँ पूजा और पूजा मेरा व्रत है, तो अभी मैं कर लेती हूँ पूजा, फिर मिलूंगी आप, क्योंकि कैमरा पकड़ने वाला कोई नहीं है ना, इसलिए मैंने पूजा कर ली है। और क्योंकि कैमरा पकड़ने वाला कोई नहीं है ना, इसलिए नहीं दिखा पाई, मैं दोनों चीज़ एडजस्ट नहीं कर पाती हूँ, ये देख सकते हो आप। अब हम जाएंगे काली मंदिर में, क्योंकि हमारे बगल में है, एक दो मिनट लगते हैं, ज़्यादा दूर नहीं है। जब भी हम व्रत लेते तो वहीं जाते हैं। अब हम जाने लगे हैं मंदिर, और हमने यहाँ प्रसाद साद जो भी चढ़ा हुआ था सब रख दिया थाली में। अब मिलते हैं आपको हम मंदिर में। तो दोस्तों, हम पहुँच चुके हैं मंदिर, और ज़्यादा दूर नहीं है, यहीं पर ही है, एक दो मिनट लगते हैं मंदिर जाने में, और पास में है। जब भी हम व्रत लेते हैं या सावन का महीने का व्रत लेते हैं, तो हम इसी मंदिर में आते हैं, क्योंकि हमारे घर के बगल में है, ज़्यादा दूर भी नहीं है। तेरे रंग बरसे महारानी, द्वार तेरे रंग बरसे महारानी। सबकी माँ भरे झोलियाँ महारानी। पे शेरावाली मेहंदी लगाऊं हाथों पे शेरावाली। करेंगे हम शिवलिंग की पूजा, ये देख सकते हो आप, ये है शिवलिंग।
चुन प्रवाह पालित स्थले गले मिलन मिलन मिता भुजंग तुंग मालिका मुट्ट 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 मन्निनाद वट्ट मरवयं चकार चंड तांडवं तनोतु न शिव हर हर शिव शंकर नील कंठ गंगाधर आए शरणम ते हारे ज्ञान वैसा विशाल बैठे हो मृग नैन छाए माथे चंद्र बिराजे लाट पट्ट पावके किशोर चंद्र शेखरे रति प्रदीक्षण मधरा धरेन्द्र नंदनी विलास बंधु बंधुरा स्मृति गंध संति प्रमोद मान मार से कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्गरा पति चित्ति अम्बरे मनो विनोद में तुम वस्तुनी जटा भुजंग पिंगला स्फुरत फणा मणि प्रभा कदम कुम कुम धरा प्रलिप्त दिग्व धूम के वरान सिंदूर स्फुरत वह उत्तरी अमेधुरे मनो विनोद वर्धितम शिव शंकर काल कंठ डमरूधर काशी कैलाश वासी मृत्युंजय भूतनाथ दानी अवतार हो दर्शन कल्याणकारी सागर जय कपीस। हमारा छोटा सा प्यारा सा हर्षू, हर्षू हाय बोल दे, हाय बोल दे। ये देखो क्यूट हर्षू, ये हमारा छोटा सा बाबू है। हेलो बोल दो, हेलो हेलो। ये देखो कैमरे में देखने में खुश, वीडियो बनाने में खुश। आज का ना छोटे बच्चे को भी बहुत तेज दिमाग होता है। या फोन चाहिए उनको, या कार्टून चाहिए, या गोदी चाहिए। ये देखो भी कैमरे में देख रहा है ना, इसलिए शांत बैठा है और ना बहुत सवाली करता है ये। हेलो, हमने पूजा कर ली है और इसमें मैंने उबाल लगे काबली चने, शाम के खाने की तैयारी कर रही हूँ। और अभी तो पहले मैं बच्चों के लिए थोड़ा भात भून रही हूँ, ये देख सकते हो। और इसमें मैंने आलू भी डाल लगे ना, क्योंकि अच्छा लगता है आलू डाल के। अभी बनाती हूँ इसको, मैं पहले भूनूँगी, मैं पहले भात भूनूँगी। मैं भून रही हूँ बच्चों के लिए भात। मैंने नमक मिर्च हल्दी मसाला सब डाला है, घी में भून लगा है, बहुत टेस्टी होता है। क्योंकि अभी खाने में तो बहुत टाइम है ना, 9 बजे तक बच्चों को भूख लग जाती है।
चावल तो भून लिए, अब इसमें बना रही मैं सब्जी। उसके लिए मैंने टमाटर काट रखा है और हरी मिर्ची और मसाला और प्याज और लहसुन तो नहीं डाल सकते हैं, और ये उबाल लेके छोले और आलू। और इसमें पापा ने रायता बना रखा है क्योंकि मुझे तो टाइम नहीं मिला, मैं गई थी कीर्तन में दो जगह, एक लाल को एक बिंदु हत्ता, तो पापा ने बना रखा है यहाँ पे रायता, बहुत टेस्टी हो रहा है, देख के बता रही थी चखा नहीं है। ये देखो किचन में गर्मी बहुत हो रहा है और तेल होने वाला है, बहुत गर्म हो रहा है, बारिश हो रही है। ये देखो जब तक तेल नहीं होता है, और इसमें से मैं खा लेती हूँ एक पीस मिठाई, ये देख सकते हो, क्योंकि आप बर्फ था तो बिल्कुल भूख नहीं लगी ना, जिस दिन बर्फ नहीं लो तो उस दिन भूख लग जाती है, तो आज कोई मतलब नहीं है, तो एक मिठाई खा लेती हूँ फिर मैं, ये देख सकते हो खा लिया। और मिठाई खाने का तेल भी हो गया तो मैंने टमाटर डाल दिया, और तो डाल नहीं सकते। अब मैं इसके बाद डालूँगी मसाला, तो मैंने पूरा मसाला डाल दिया है और थोड़ा मैंने पानी ऐड कर दिया है इसमें, और मैं इसमें दो मिनट के लिए ढक्कन लगा दूँगी ताकि टमाटर गल जाए और मसाला पक जाए अच्छे से। अब मैंने इसमें ढक्कन लगा दिया है और इसमें डाल दिया मैंने उबाले हुए आलू, और मसाला पक गया है और इसमें मैंने आलू भी ओकर दिए इसमें, और अब डालती हूँ मैं छोले, और अब डाल दिए मैंने छोले, इसको मिक्स कर लूँगी मैं, इसको 5 मिनट तक पकने दूँगी और इसमें लगा देती हूँ मैं ढक्कन। सब्ज़ी बन गई है क्योंकि मैंने ज़्यादा सूखी नहीं बनाई है, क्योंकि ज़्यादा सूखी ज़्यादा इन लोगों को पसंद भी नहीं है, और रायता भी बन गया है। यहाँ पे बना रही है पूजा पूरी। तो बन गया है और अब हम खाते खाना और आपसे मिलते हैं बाद में। अब हम लोगों ने खाना खा लिया है और आज का ब्लॉग इतना ही है, और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आए, और पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और सब लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, और बाय बाय, गुड नाइट। आप जाते हैं सोने के लिए, बहुत थक गए।